जब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है ना, तो घर की ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब घर की क्या हालत होती है, हालत तो हम लेडीजो की ख़राब होती है। अब बैक टू बैक एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं और हम रहते हैं सनातन धर्म में। बुरा मत मानिएगा, हम रहते हैं सनातन धर्म में। कोई भी छोटा मोटा फेस्टिवल आए या कोई बड़ा त्यौहार आए या फिर घर में कोई पार्टी वगैरह हो, सबसे पहले ना घर की साफ़ सफाई की जाती है। और जब त्यौहार एक के बाद एक आते रहते हैं तो घर की साफ़ सफाई तो ख़त्म होने का ना नाम ही नहीं लेती हैं। परफेक्ट लेडीज़ तो यही चाहती है कि हर त्यौहार का स्वागत बहुत ही अच्छे से किया जाए। तो सेम ना हाल मेरा भी है। हालत देखिए, सबसे पहले मेरी दिवाली की सफाई चल रही है। घर में अभी करवा चौथ गई है, तो मतलब बहुत सारे त्यौहार तो जा भी चुके हैं। अगस्त से ही हमारे घरों में त्यौहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब से लेके ना अभी तक होश नहीं आई है। फिर अपना डेली यूज़ का काम तो होता ही है, साथ में ये वीडियो शूटिंग करने का काम भी होता है ना, आप जानते हैं, जो अब तक पहुँचानी रहती है। और अब शुरू हो चुके हैं त्यौहार। हालत ने इतनी बुरी हो रखी है, आप चारपाई के कपड़े देख रहे हैं ना, ये तो आधे भी कपड़े नहीं हैं। अभी ऊपर से ही उतार के मंगाए हैं बेटे और बेटे से, सभी कपड़े धो के फैलाए थे, 4 घंटे लगे हैं कपड़े धोने में। दूसरा अपना रोज़ का काम भी होता ही है। तीसरा ये शूटिंग का काम, यानी जो मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना, इसका भी काम हो जाता है। तो हालत ना बस मैं जानती हूँ या मेरे श्री जी या मेरे भगवान जी जानते हैं, मतलब क्या बुरा हाल हुआ है। इतना काम देख देख के तो मेरी वैसे भी हालत ही ख़राब हो रही है। जब करने वाले अकेले होते हैं ना तो काम सर पे चढ़ जाता है। काम की थकान की वजह से पूरा बदन दर्द कर रहा है, हाथों पैरों की ना एक नसें सी खींची जा रही है, और सर की पूछे तो सर तो ऐसा हो रहा है जैसे अभी फट के ना चारों तरफ को बिखर जाएगा। आँखें इतनी बुरी तरीके से जल रही है कि मान लो कुछ गर्म गर्म डाल दिया गया हो। चुभन सी हो रही है अजीब सी। शाम के 6:15 बज चुके हैं, काम को करते करते कई दिन से लगे हुए हैं। रात में लेट सोना, सुबह में जल्दी से उठना, फिर ये सारा काम धाम करना, तो हालत ख़राब देखिए हो ही जाती है। अब ये सब के चलते हुए अपना डेली वेज का काम तो करना ही होता है, जैसे कि अपना खाना वगैरह बनाना होता है। लेकिन यकीन मानिए, आज ना खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। तो सोच रही हूँ कुछ ना हल्का फुल्का सा बना लूँ। मैं ये सोच रही थी, जब भी मैं थकान सी मतलब महसूस करती हूँ ना, ये मेरी हालत सी ख़राब रहती है, तो मैं नॉर्मल ना खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ, जैसे आलू की खिचड़ी या दाल की खिचड़ी होती है। बट आज ना एकादशी का दिन है, और एकादशी के दिन हमारे यहाँ पर चावल नहीं बनाए जाते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम ना मेरे साथ ये हो गई है। तो सोचा है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जो जल्दी से बन जाए और अपना थोड़ा सा ना मैं काम भी कर पाऊँ। तो मेरे पास रखी हुई थी यहाँ पर ये मिर्च, जो कि मोटे वाली अचार की मिर्च होती है। मेरे हस्बैंड को ये आलू के साथ मिला के जब मैं बनाती हूँ तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मुझे वैसे अच्छी लगती है जैसे मिर्च बना लेते हैं ना, मुझे तो वैसे ही अच्छी लगती है। चलिए, सबकी पसंद का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। मैंने गैस को ऑन करके बिल्कुल धीमा कर दिया है उसका फ्लेम, और कढ़ाई रख दी है, धीरे धीरे गर्म होती रहेगी। और साथ ही साथ ना मैं साइड में सब्जियाँ भी काटती रहूँगी। अब ये मिर्च मैं आलू के साथ बना रही हूँ, तो यहाँ पे काट रही हूँ आलू। आलू को थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में ही कट कर लेते हैं और इनको ना अच्छे से धो लेते हैं। आलू को ना हमेशा काटने के बाद ना धो ही लेना चाहिए, इनमें ना काफ़ी सारा स्टार्च होता है, तो धोने से ना ख़त्म हो जाता है। अब शरीर तो बोल रहा है कि कुछ करो मत, लेकिन करना तो हो गई ना। जैसे ही यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सरसों डाल देते हैं, और ये कटे हुए आलू पानी से निकाल के डाल देंगे। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, यकीन मानिए, बना के देखिए आप इस सब्ज़ी को। अच्छा, इस सब्ज़ी को ना मैं हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, ना तो घी में बनाती हूँ, ना ही रिफाइंड ऑयल वगैरह में। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल तो हम घर में वैसे भी नहीं करते हैं, खासकर तड़का मतलब जैसे छोंक वगैरह लगाने के लिए। इन आलू को ना कम से कम हमें 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, जब तक कि हल्के हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए, या फिर कम से कम 50% ना पक जाए। तो मुझे 3-4 मिनट का टाइम मिल जाएगा, मैं जो है आलू को भी चलाती रहूँगी और साथ में ये सब्जियाँ वगैरह भी काटती रहूँगी। लगभग 200-250 ग्राम के जितनी या फिर 6-7 मिर्च मेरे पास रखी हुई थी। एक बड़े साइज का ना टमाटर ले लिया है। सर का बवंडर बना पड़ा हुआ है, मतलब बहुत बुरा हाल है, यकीन मानिए ना, खड़ा भी नहीं होया जा रहा है, और माथे में इतना बुरा ना दर्द हो रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना। चलिए, जैसा भी हो रहा है कर देते उल्टा सूदा। काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। कल ना धनतेरस का दिन है, और धनतेरस के दिन के बाद सफाई घर में होगी तो क्या फ़ायदा होगा। अभी तो मेरे पास बहुत सारा काम है। आलू देखिए, 4-5 मिनट के लिए मैंने इनको लगातार अच्छे से चला लिया है। इन पे हल्की सी कोटिंग हो चुकी है, और लगभग में ना ये 50% पक रहे हैं, जैसे मैंने आपको मैश करके दिखाया।
तो ये कटी हुई जो है टमाटर और हरी मिर्च हम यहाँ पे डाल देते हैं, और डालने के बाद इसमें हल्के से मसाले डालेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। कभी कभी ना ये मिर्च तीखी भी निकल जाती है, अगर तीखी नहीं है तो आप यहाँ थोड़ी सी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैंने इस मिर्च में से पहले भी मतलब बना ली थी तो इनमें ना हल्का सा तीखापन है, तो बस मैं यहाँ पर मिर्च वगैरह तो बिल्कुल भी डाल नहीं रही हूँ, और ना ही हमें यहाँ पे पानी डालना है। इसको कवर कर देते हैं, गैस का फ्लेम लो कर देते हैं, 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, बनती रहेगी अपने आप, बाकी का काम कर लेती हूँ। तो पैर में जो खाना खाया था और तीसरे पैर जो चाय बनाई थी ना उसके बर्तन भी पड़े हुए हैं। मतलब मन तो चाहता है कि अपने काम को साथ के साथ निपटा ले, लेकिन कभी कभी ना ऐसा हो जाता है तो काम छूट ही जाता है। ज़्यादा करके मैं कोशिश करती हूँ दोपहर के खाने के बर्तन में दोपहर में ही साफ़ करके रख दूँ, लेकिन जब लेट वगैरह हो जाता है ना कुछ, मतलब तबीयत वगैरह सही नहीं रहती है, तब तो रखने ही पड़ते हैं ना। तो थोड़े से ही बर्तन भी हो रहे थे, जो बड़े बड़े बर्तन हैं ना इनमें कुछ सामान भी रखा हुआ था, उनको मैंने खाली कर लिया है और फटाफट से पहले तो ये बर्तन धो देती हूँ। बर्तन धोने तक ही काम नहीं ख़त्म होता है, दिमाग जब ख़राब होता है, जब हमें एक्स्ट्रा सफाई करनी होती है, और दिवाली की सफाई आप जानते हो ना बहुत डीपली की जाती है, यकीन मानिए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा किचन है ना बहुत गंदा होता है, और ये जो आप स्लेब देख रहे हैं ना इसको तो मैं इतना ज़्यादा साफ़ करती हूँ, दिन में ना 2-3 बार सारा सामान हटा हटा के भी साफ़ करती हूँ, बट मुझे आज तक ये नहीं पता लगा है कि मेरे किचन में धूल आ कहाँ से जाती है। मतलब बहुत धूल आ जाती है, ना चिक्कड़ से चढ़ जाता है, कभी कभी ना हमारे यहाँ पे चूहा भी आ जाता है, काफ़ी मोटे मोटे चूहे हैं, तो वो ना जैसे उन्हें थोड़ी बहुत जगह मिलती है, कोई सामान मिलता है, उसके पीछे जाके ना ऐसे मींगन सी कर देते हैं, मतलब बड़ी बदबू सी आती है। तो ये थोड़ा सा मैंने सामान हटा के तो मोटी मोटी सी सफाई कर दी है, बर्तनों का स्टैंड वगैरह भी साफ़ कर दिया है। वैसे किचन तो मैं करती रहती हूँ 7वें 8वें दिन साफ़, इतनी ज़्यादा गंदे भी नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ दिवाली है ना जैसे तो करनी तो पड़ेगी। तो मैं ना ये डब्बे वगैरह उतार नहीं रही हूँ, एक तो मेरी हालत नहीं ठीक है, ऊपर से मेरे पास ना टाइम भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ना मोटी मोटी सफाई कर रही हूँ। सफाई मैं सारी कर दूँगी, स्लेब को सारी साफ़ करूँगी, बस ये डब्बे मैं यहाँ से उतार नहीं रही हूँ, क्योंकि ये ना इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं हो रहे थे, तो जितना हो सके बस इनको हटा के सफाई कर देती हूँ, और जो डब्बों के ऊपर थोड़ी बहुत धूल वगैरह बैठी हुई है ना मैं उनको साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, मेरा जो किचन को साफ़ करने का सिस्टम क्या होता है ना, जैसे डब्बे खाली होते हैं ना सामान के, तो मैं उनको खाली करने के बाद ना साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से मांझ धो लेती हूँ, उसके बाद उसमें सामान करती हूँ, तो क्या होता है ना डब्बे वगैरह ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्स है ना ये यूज़ तो होता नहीं है, बट महीने 1.5 महीना या फिर 2 महीने में मान सकता है, इसकी मुझे सफाई करनी पड़ ही जाती है। हालांकि इतनी ज़्यादा ये गंदी भी नहीं हो रही थी और इतना ज़्यादा सामान भी नहीं था, लेकिन दिवाली है तो मैं सोच रही हूँ सफाई के चक्कर में सारा ही हाथ निकल जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए, मोटी मोटी सी सफाई तो मैंने किचन की कर दी है, कम से कम मुझे 20 मिनट तो लग ही चुके हैं। आ गई हूँ मैं काउंटर के पास, और काउंटर देखिए, काउंटर पे इतना सारा सामान फैला हुआ है, मतलब छोटे मोटे बर्तन, मतलब इतना ज़्यादा भर जाता है ना भीड़ भरा का, इस चीज़ को देख के तो मेरा बड़ा ही दिमाग ख़राब होता है। तो सबसे पहले ना मैं जो बड़े बड़े बर्तनों में थोड़ी बहुत सब्जियाँ वगैरह रखी हुई है ना, तो इनको ना खाली कर लेती हूँ, क्योंकि जगह ना यही ज़्यादा घेरते हैं। इनको एक पिन्नी में मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शाम के टाइम में जब बच्चे घूमने के लिए जाते हैं ना खाना खाने के बाद, प्लॉट पे जो कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, और जो रास्ते में कुत्ते वगैरह रहते हैं ना, तो 5-7 रोटी हम कुत्तों के नाम की बना देते हैं, जो दिन की सब्ज़ी वगैरह रहती है, चावल वगैरह रहते हैं, तो सभी चीज़ों को एक जगह करके ले जाते हैं, तो सभी कुत्तों को थोड़ी थोड़ी देते चले जाते हैं, देखिए चीज़ें भी इस्तेमाल हो जाती है और उनका पेट भी भर जाता है। चलिए, इस काउंटर को मैं कर देती हूँ। अच्छा, मैं ये खुरापाती बहुत करती हूँ, अब ये जो चमचा है ना ये बार बार फिसल रहा था, मैं बार बार रखती, पता नहीं जैसे ही काउंटर थोड़ी सी हिलती थी ना उसकी वजह से गिर जाता था, ये मेरे में बहुत चलता है, चुप अपनी जगह बैठा रहे। तो ये मूवमेंट मैंने ना आज डिलीट नहीं किया, क्योंकि ऐसे ऐसे मूवमेंट मुझसे बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, कभी कभी ना जब तबीयत सी ख़राब रहती है, काम ज़्यादा होता है, अपने आप से बात करने लगती हूँ मैं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, नहीं इस काम को ऐसा करूँगी, पहले ये काम करूँगी, पहले वो काम करूँगी, तू वहीं पे बैठ मतलब कुछ इस तरीके का सिस्टम चलता रहता है। ये जो विंडो है ना किचन की, ये भी बड़ी गंदी होती है, इस पर स्टील की पाइप है, उस पर धूल पता नहीं कहाँ से बैठती रहती है इतनी। चलिए, ये भी मैंने साफ़ कर दी है, काउंटर भी मेरा मोटा मोटा सा साफ़ हो चुका है, बाकी का मैं खाना बना के कर दूँगी। दोपहर में आज खाना खाते खाते ना लेट हो गए थे, तो खाना भी कमी खाया गया था और आटा मेरे पास बचा हुआ रखा था, तो बस मैंने उसी आटे को उठा लिया, थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो और आटा लगा लूँगी। मेरी सब्जी को तो कम से कम यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, और जो सब्ज़ी है ना वो अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है,
एक बात बताऊँ आपको, जब भी आप इस तरीके की सूखी सब्ज़ी बनाएं ना, हल्की सी लग जानी चाहिए सब्ज़ी में ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए 20-25 मिनट हो तो गए हैं, सब्ज़ी भी मेरी हल्की हल्की सी नीचे से लग चुकी है, ऐसा बोल सकते हो। जैसी मुझे सब्ज़ी पसंद है, इस तरीके की सब्ज़ी का टेक्सचर आ चुका है। जल्दबाजी में ऐसी सब्ज़ी नहीं बनती है, जैसे कभी कभी ना भूल से बन जाती है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तवा रख दिया है रोटी बनाने के लिए। चलिए ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है ना, मन तो नहीं था लेकिन हाँ, एक बात बताऊँ, आज का व्लॉग मैंने चोरी से बनाया है। आज मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया था ट्राईपॉड में फ़ोन लगाने के लिए, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्हें ना ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे फ़ोन में लगी रहती हूँ तो उसी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन काम भी तो कोई चीज़ होता है ना, काम की भी तो थकान हो जाती है। तो मैं थोड़ी सी ना ये क्लिप चोरी चोरी ही शूट कर रही हूँ। वो कर रही हैं अपनी पूजा और मैं यहाँ पर थोड़ा सा जैसे काम धंधा कर रही थी ना, तो बस मैंने ऐसे ही शूट कर लिया था, इसको ना ट्रांसफ़र कर देती हैं। सुबह सुबह अगर आपको टेंशन रहती है ना अपने बच्चों के लंच की, या फिर कहीं ट्रैवल पे जाते हो जब टेंशन रहती है, तो इस सब्ज़ी को ना बना सकते हो। ये कीमा ने बहुत टेस्टी लगती है खाने में और जल्दी से बन भी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसे बनाने के लिए पहले से ही कोई तैयारी करनी होगी। तो लीजिए, ये आलू और मिर्च की सब्ज़ी बनके ना तैयार हो चुकी है। अगर आपको ऐसी मिर्च नहीं मिलती है ना, तो आप यहाँ पर शिमला मिर्ची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पूरा दिन कपड़े धोने के बाद मशीन में बहुत सारा पानी हो रखा था। शाम के ना लगभग में 9 बज चुके हैं, खाना वाना हमारा हो गया है, तो मैंने सोचा जो पानी बच रहा है ना उसको वेस्ट नहीं करते हैं, फर्श धो देते हैं। सुबह बस उठ के पोछा लगा दूँगी यहाँ पर, तो जो पानी बच रहा था ना उसे मैंने अपने घर का ये पूरा फर्श धो दिया है, क्योंकि पानी भी तो वेस्ट ही जाता ना। साफ पानी नहीं है, मशीन का बचा हुआ पानी है।